हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि आप लोगों की एग्जाम नजदीक है और आप ही के डिमांड से मैं ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग की सीरीज लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए लीजिए और ऐसे ही विश्वास अपना रखे रहिए। जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूर अपने गोल में सक्सीड होंगे। प्लीज पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंस होके एग्जाम देने चाहिए। मेरे तरफ से यही आप लोगों की लास्ट टाइम टिप्स है, ठीक है? तो पेंटिंग की सीरीज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रही है और सब डिमांड कर रहे हैं कि और लेके आए, तो उसी में आगे आज का एक 5 पेंटिंग का सीरीज अगेन लेके आए हैं। जो पहली बार देख रहे हैं या लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आए हैं, वीडियो खोला है, तो मैं आपको सीधे बता दूं, होता है ऐसा कि हम देखे, अरे यार ये मिल गया, वीडियो देख लेते हैं, तो देखें। तो प्लीज इसी चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में ये सारी पेंटिंग की आपको काफी सारी सीरीज मिलेगी। आप एटलीस्ट वो भी देख लेंगे तो काफी क्वेश्चंस आपसे आने की संभावना हो जाती है, ठीक है? तो ये हमने इसी सीरीज में हमने ये सारी पेंटिंग्स देख ली थी। आगे और इससे पहले की भी है, ये मैं इससे पहले की बता रही हूँ, और भी है। ये लास्ट थी हमारी और आज की हमारी ये पहली पेंटिंग है जो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है? ब्रिटिश मूर्ति, सॉरी, ये जो है पहला काम है वॉकिंग ग्रुप, ठीक है? वॉकिंग ग्रुप ये किसने बनाया है? कैनेथ आर्मिटेज ने बनाया है। कैनेथ आर्मिटेज कौन है? तो ये एक ब्रिटिश मूर्तिकार है, स्कल्प्टर है, और सेमी एब्स्ट्रैक्ट मतलब आधा एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर बनाते हैं। जैसे आप इसको देखिए वॉकिंग ग्रुप को, तो ये एकदम एब्स्ट्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, ये इसमें कुछ कुछ फिगर जैसी चीज दिख रही है, इसी को सेमी एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो सेमी एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर बनाया है और मीडियम जो है मोस्टली इनने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया है, कांस्य का इस्तेमाल किया है, ठीक है? इसी में जो वॉकिंग ग्रुप है वो भी इनका माध्यम कांस्य का है और समय 1951 में इसका निर्माण इनने किया था। तो ये नेट में आया हुआ काम है इसलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं आज का एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये नेट के 5 मार्क के क्वेश्चन में, पेपर क्वेश्चन में आ चुका है। तो पेंटिंग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो पेंटिंग का नाम है ट्रिब्यूट मनी। ट्रिब्यूट मनी जो बहुत फेमस और कॉमन पेंटिंग है, नहीं पता है तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है? देख लेते हैं। ये जो है मसाचियो कलाकार ने बनाया है। मसाचियो जो है फेमस अर्ली रिनाइसेंस पेंटर है या आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कलाकार है। इन्होंने परिपेक्ष, अभी बताती हूँ, उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और मसाचियो की बात करें तो मात्र 28 साल जी के इतना सारा काम करके और अपना नाम अर्जित किया है कला इतिहास के पन्नों में, तो बहुत महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं। ये जो माध्यम है ये फ्रेस्को है, फ्रेस्को में बना गया है, 1423 के समय पे ये बना गया था, ठीक है? इसके अलावा जो चीज देखने की है वो यही है कि इट्स अ जस्ट ट्रिब्यूट मनी। मैथ्यू जो रहता है, मैथ्यू है ये, है ना, वो ये रहा, देखो वो टैक्स डिमांड करता है ना, टैक्स कलेक्टर इस थीम पे है ये। तो ये सबसे पहला सीन है, ये 3 सीन्स में है, देखिए ये 3 सीन में पेंटिंग है, उसको एक साथ उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कंपोज किया है, ठीक? लेकिन ये 3 डिफरेंट सीन है, एक सिंगल सीन नहीं है, ठीक? तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट वाला, वो क्या है कि वो क्रिस्ट क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट है और उनके ग्रुप से टैक्स डिमांड कर रहे हैं मैथ्यू, ठीक है? ये फर्स्ट सीन है। सेकेंड सीन जो है ये है, इसमें क्या है कि जो पीटर है, पीटर पीटर मैथ्यू, हाँ, तो वो मछली के मुंह से पैसा निकाल रहे हैं, वो चीज निकाल रहे हैं उसको देने के लिए। एंड थर्ड सीन इज दैट के ही इज गिविंग टैक्स टू हिम, ठीक है? तो ये चीज, ये एक 3 सीन में है, टैक्स कलेक्टर रिलेटेड है, इतना ध्यान रखना। इसमें 3 एपिसोड में पेंटिंग है, मछली के मुंह से पैसा निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये दिख रहा है। और जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, मासाचियो अर्ली रिनेसेंस पेंटर हैं, ये याद रखना। मासाचियो ने, देखो ये चीज है, हम जब इसमें देखते हैं तो पहले, इससे पहले ये जो है लीनियर पर्सपेक्टिव में काम किया है। जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है उसमें आपको बहुत इजिली ये लीनियर पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा, ठीक है? और प्लस इसके साथ यहाँ पे कहीं देखें तो हमको एरियल पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलता है। तो इस चीज का उन्होंने इस्तेमाल बहुत गहरे तरीके से किया है। देखिए जिस तरह का आर्किटेक्चर है, बहुत प्रॉपर बनाया गया है, दिख रहा होगा आपको। लेकिन इससे पहले तक, या हम रेनेसेंस, अर्ली रेनेसेंस से पहले, गोथिक, गोथिक में भी जियोटो ने थोड़ा सा स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले तक हम बात करें तो ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव नहीं आती थी और बहुत प्लेन वे में पेंटिंग का निर्माण होता था, ठीक है?
थर्ड फिन आज काम को देखते हैं आज का, वो है ले बैंक्वेट। ये कुछ अभी एक दो साल पहले ही एग्जाम में आया है, द फीस्ट। ठीक है, द फीस्ट या ले बैंक्वेट, ये जो है कभी बैंक्वेट भी आए तो भी, ये जो है पिकासो द्वारा बनाया गया है। पिकासो के बारे में तो आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी ये क्या है, 20th सेंचुरी के फेमस आधुनिक कलाकार है। देखो 20वीं शताब्दी के दो मुख्य आधुनिक कलाकार होते हैं जिन्होंने एक तरह से मॉडर्निज्म को काफी प्रभावित किया है। वो एक तो रहते हैं हेनरी मैटिस, दूसरा रहते हैं पाब्लो पिकासो। तो इसलिए मैंने बोला वन ऑफ द टू फेमस। ठीक है, तो उसमें है पिकासो। पिकासो की एचिंग है प्रिंट मेकिंग में भी, क्योंकि ये फेमस रहे हैं, और 1934 में इन्होंने इसका निर्माण किया था, ले बैंक्वेट इज द फीस्ट, ये इनका काम है। ठीक है, आते हैं अपने चौथे काम की तरफ, ये भी अभी कुछ अर्लियर उसमें आया था, वो है डाइंग सेंट्योर। ठीक है, डाइंग सेंट्योर मतलब मरता हुआ सेंट्योर। अब सेंट्योर क्या होता है, तो सेंट्योर होता है कि हाफ, आधा तो फिगर, जैसे कि स्पिनिक्स हम देखते थे है ना, वैसे ही ये भी है कि आधा फिगर वो मनुष्य का रहेगा और आधा फिगर घोड़े का रहेगा, इसको सेंट्योर बोलते हैं। तो मरते हुए स्टाइल में या डाइंग सेंट्योर जो है ये मूर्ति है। ठीक है, किसने बनाई है, एंटोइन बॉर्डेल ने बनाई है। एंटोइन बॉर्डेल कौन है, तो ये फ्रेंच मूर्तिकार है बहुत फेमस, ये रोडिन, ऑगस्ट रोडिन के स्टूडेंट रहे हैं, और जियोकोमेटी, दोनों ही बहुत मुख्य कलाकार हैं, स्कल्पर हैं, उनके शिष्य टीचर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इनका माध्यम ब्रॉन्ज है, कांसी है। 1911-1914 में इनने ये चीज बनाई थी। ठीक है, आज का आखिरी काम, ये भी पांच पेंटिंग में आया है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। क्लाउड गेट, ठीक है, क्लाउड गेट है। क्लाउड गेट किसने बनाया, तो भारतीय कलाकार या ब्रिटिश, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर ने बनाया है। स्टेनलेस स्टील का बना गया है वो, और 2006 में इसका निर्माण हुआ है, शिकागो में ये प्लेस्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। ये आज के 5 काम थे, आने वाले काम आपको जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।